पापा कपूस क्या है? अभी बोले आग और कपूस की परीक्षा हो रही है। कपूस कहते हैं भूसे को, भूसा भी रख दो और आग की चिंगारी भी रख दो तो जलेगा या ठंडा रहेगा? तो ऐसे सन्यासी लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष को अगर इकट्ठा रहना है तो आग जरूर लगेगी। बाप ऐसी युक्ति बताते हैं कि 2500 वर्ष तक स्त्री पुरुष में कोई आग ही नहीं लगती। देवताओं की इंद्रियां शीतल रहती है। ऐसा आकर के राजयोग सिखाता हूं, वो काम सन्यासी नहीं कर सकते। जो बाप आकर राजयोग सिखाते हैं वो राजयोग कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। एक होती है गाय और एक होती है बकरी। गाय का दूध अच्छा है? गाय का दूध बहुत अच्छा है। गाय की मान्यता भारत में है, है? कि बकरी की मान्यता है? गाय पालेंगे तो दूध भी देगी और खेती के लिए बछड़े भी देगी, है? और बकरी पालेंगे तो दूध तो देगी, थोड़ा सा दूध देगी, लेकिन बच्चों में जो बच्चे पैदा करेगी वो बकरे पैदा करेगी और बकरे तो खेती में काम नहीं आवेंगे। क्या करना पड़ेगा? उनको कसाईयों को काटने के लिए देना पड़ेगा, तो ये भी हत्या हो गई। तो हत्या का काम बकरी सिखाती है, वो तो हद की बात हो गई। बकरी मनुष्यों में भी बकरी और गाय जैसी होती है। भगवान ने आकर के जानवर गऊएं पाली थी या ह्यूमन गऊएं पाली थी? ह्यूमन गऊएं पाली थी। और भगवान ने तो ह्यूमन गऊएं पाली, लेकिन जो देहधारी धर्म गुरु होते हैं वो बकरियों को पालने लग पड़ते हैं। वो बकरियां फिर कहती हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं की रट लगाती। मैं करने वाले नई दुनिया नहीं बना सकेंगे। ये तो एक शिव बाबा ही है जिसकी सीमत पर चल करके हम बच्चे नई दुनिया बनाते हैं। हम खुद नहीं बनाते, बाबा की श्रीमत हमसे बनवाई लेती है। बकरी कौन से देशों में पाली जाती है? मुस्लिम कंट्रीज में बकरियां पाली जाती हैं। और भारत में? भारत में गाय पाली जाती है। बकरियों में क्या आदत होती है? एक बकरी अगर गड्ढे में जाएगी तो उसके पीछे पीछे सारी बकरियां गड्ढे में चली जाएंगी। भगवान जब आते हैं तो मुसलमान धर्म की आत्माएं भी, जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हिंदू हैं, वो भी ज्ञान में आ जाते हैं। ज्ञान में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर वो कामधेनु गौआ को फॉलो नहीं करते हैं, वो बकरी को फॉलो करने लग पड़ते हैं। एक बकरी गड्ढे में गई और उसके पीछे का पीछे पीछे सब गड्ढे में जाते हैं। वो बकरी की तौर तरीके भी ऐसे ही होते हैं। वो समझती है मैं ही स्वर्ग बनाऊंगी,
भगवान तो आके ज्ञान सुना के चला गया ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब मैं स्वर्ग बना के दिखाऊंगी। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु लोग जो हैं, वो समझते हैं हम नई दुनिया बना रहे हैं, लेकिन दुनिया तो और ही जास्ती पुरानी होती जाती है। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, दुनिया की मेंटेलिटी गिरती गई या विकार घटे हैं? है, मेंटेलिटी तो गिरती चली गई, और ही जास्ती विकारी मनुष्य बन गए। तो भगवान आकर के बताते हैं कि गौ जैसा जीवन बनाओ। गाय बड़ी सीधी होती है ना, ऐसा सीधा साधा जीवन बनना चाहिए, भोला भाला बाप का बच्चा। और बाबा, लेकिन 16 तारीख को विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं? कुवार महीना में 17 तारीख को ही विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं? 17 तारीख को क्या मनाते हैं? विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख। हाँ, सत्रह तारीख को कौन सा महीना पड़ता है? सितंबर। विश्वकर्मा कहते हैं, भारत कर्मा नहीं कहते हैं। क्या? विश्वकर्मा, सारे विश्व को नया बनाने वाला। तो सितंबर के बाद अक्टूबर में दशहरा आता है। दशहरा आता है, रावण के 10 सिरों का हरण करने के लिए। तो 10 सिरों का हरण जब तक हम नहीं कर सकते, तब तक नई दुनिया नहीं बन सकती। और जब तक भगवान आकर के हमको पढ़ाई न पढ़ावे, राजयोग न सिखावे, तब तक हम 10 विकारों पर विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो अक्टूबर में तो है दशहरा, लेकिन दशहरा भी हम तब हो मना सकेंगे सच्चा सच्चा, जबकि विश्व को नया बनाने वाला विश्व का बाप सितंबर में पहले षष्ठी पर आ जाए। इसलिए तो विश्वकर्मा की जयंती मनाते हैं, है? पूजा करते हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी के अनुसार 17 तारीख को 7 और 1 8। हाँ, अष्ट देवों के साथ। हाँ, 8 हो ही चाहिए, 8 चाहिए। 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं कुछ कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। और दुनिया वाले निष्काम दान करने वाले डाक मारते हैं, ये मतलब समझ नहीं आता। दुनिया वाले निष्काम दान करने वाले डाक मारते हैं। दांत मारते हैं, डांट मारते हैं। दुनिया में जो दान पुण्य करते हैं वो अपने डांट मारते हैं। डांट मारते हैं, निष्काम निष्काम डांट मारते हैं। डांट क्या? डांट डांट डाक मारते हैं। डाक क्या होता है? मुर्गी मारते बाबा 63 का पशु सुने बाबा। डाक मारते माने डॉग, जैसे कुत्ता होता है भौं भौं करता है, तो कुत्ते की आवाज है वो केवल, उस कुत्ते की आवाज से कुछ होना नहीं है। वो भी निष्काम कर्म करने की बात कहते हैं, लेकिन दुनिया वाले ऐसे ही भौंकते रहते हैं निष्काम कर्म निष्काम कर्म। कोई भी निष्काम कर्म नहीं करता सिवाय एक शिव बाबा के। एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर आता भी है, हम बच्चों के द्वारा इतना बड़ा कार्य कराता है, सारी दुनिया चेंज करके जाता है, फिर भी कोई उसको कामना नहीं है कि मैं ये सुख भोगूं, मैं वो सुख भोगूं। जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं, जिनको रथ होता है, वो स्वार्थ नहीं छोड़ सकते।
भगवान को अपना रथ है ही नहीं तो क्या डाक मारेगा। और बाबा दुर्गा जी के 10 हाथ क्यों दिखाए जाते हैं? दुर्गा जी को 10 हाथ दुर्गा जी। दुर्गा जो है वो जगत जननी है, सारे जगत की माँ है। सारे जगत में आस्तिक ही आस्तिक आते हैं कि नास्तिक भी आ जाते हैं? नास्तिक भी आ जाते हैं। तो नौ धर्म तो ऐसे हैं जो आस्तिक हैं कुछ न कुछ। नंबर वार एक धर्म ऐसा भी है जो बिल्कुल नास्तिक है, ना भगवान को मानता, ना नरक को मानता, ना स्वर्ग को मानता, ना आत्मा को मानता, ना परमात्मा को मानता। क्या? ना सुख को मानता, ना दुख को मानता। उस सुख को दुख की दुनिया अलग अलग होती है, ऐसे भी नहीं मानते। तो ऐसे ऐसे जो नास्तिक हैं उनकी भी वो अम्मा है। ऐसे नास्तिकों को भी गोद में पालना देती है, वो दुर्गा का ही कही जाती है। उनके भी दुर्गुण वो दूर करने वाली है, दुर्गा रूप धारण करके। तो उसको 10 भुजाएं दिखाई गई हैं, 10 प्रकार के बच्चे हैं। तो 10 प्रकार की भुजाएं माने सहयोगी हैं माँ के कार्य में। माँ जब अपना कार्य करती है, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा जब अपना कार्य करती है, तो वो बच्चे उसके सहयोगी बनते हैं। तो वो भुजाओं के रूप में दिखाए गए हैं। और बाबा शंकर जी के बड़े बड़े चट्टा क्यों दिखाते हैं और चट्टे पर बेल का पत्ता दिखाते हैं? हाँ, बेल का एक पत्ता होता है कि 3 पत्ते? 3 पत्ता। हाँ, जटाएं हैं ज्ञान की जटाएं। क्या है? वो सुलझी हुई भी है और उलझी हुई भी है। जब गंगा जी आती हैं तो सारी जटाएं सुलझ जाती हैं। वो ज्ञान की जटाओं में बेल का पत्ता मुख्य दिखाया गया है। बेल के पत्ते में ही ये सिफ्त होती है कि 3 पत्ते इकट्ठे निकलते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इसलिए शिव के ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे पैदा करो ज्ञान में चलने वाले, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसा ऊंच पद पाके दिखाए। और बाबा धतूरे का फल भी चढ़ाते हैं। हाँ, धतूरे के फल में कांटे ही कांटे होते हैं। धतूरे को फल को तोड़ो तो उसके अंदर बीज निकलेंगे, बीज में विष ही विष भरा हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं जो कांटे ही कांटे जैसे हैं, बात बोलेंगे तो भी दुख भरी बात बोलेंगे, दुखदाई बातें बोलेंगे, काम करेंगे तो भी दुखदाई काम करेंगे, कोई संकल्प चलाएंगे तो भी सारा वाइब्रेशन खराब करते हैं, ऐसे ऐसे संकल्प चलाने वाले होंगे। माने हर तरीके से उनमें कांटे ही कांटे नजर आते हैं और अंदर विषय विकार अति के भरे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी शिव बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया जाता है। तो दिखाते हैं कि धतूरे का फूल शिव बाबा के ऊपर अर्पण किया जाता है। फूल भी अर्पण करते हैं और फल भी अर्पण करते हैं। हाँ जी, आप इतनी धीरे बोलेंगे हम नहीं सुनेंगे। 2011 को मेरे भाई ने शरीर छोड़ दिया, 65 साल का था। मेरे को उसके लिए खूब रोना आया, पर देह अभिमान के कारण रोना नहीं आया मुझको। वो 35 साल तक बिस्तर में ना सेवा लिया बेचारा, ना चल सकता था ना फिर सकता था। तो मेरे को ऐसा रोना क्यों आया बाबा, जबकि है ना मेरे से बिल्कुल तनिक भी प्यार नहीं करता था। खूब रोना आया मेरे को, मेरे को देह अभिमान नहीं था, परंतु उसने खूब कष्ट सहा ना, उस और देवता तुल्य था वो। इस सभा में व्यक्तिगत बातें नहीं पूछो, इतनी बड़ी सभा बैठी हुई ना, आपकी व्यक्तिगत बातों से सबको लगाव नहीं है, हैं? वो अकेले में पूछना। हाँ जी बाबा, मुझे में बाप के 1000 हाथ हजार भुजाएं कही गए। अभी माता ने पूछा कि देवी को 10 भुजाएं हैं, तो 10 भुजा का मतलब 10 धर्म के बच्चे
जो मुखिया मुखिया बच्चे हैं वो उनके सहयोगी बनते हैं। ऐसे ही भगवान की हजार भुजाएं हैं, भगवान ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा की हजार भुजाएं गायी हुई हैं, इसका मतलब हजार आत्माएं उनके विशेष सहयोगी बनते हैं। तन से मन से धन से जो सहयोगी बनते हैं वो ही भुजाएं गायी जाती हैं। हाँ जी बाबा, सीता जी बोले शिव जी को कि खाना खा लो है? मतलब सीता जी बोले शिव जी को खाना खा लो, तो शिव जी को खाना खा लो। हाँ। सीता जी शिव को बोले, सीता जी शिव को बोले। सीता जी ने शिव से कहा भोजन कर लो। सीता जी ने कहा, सीता जी बोले तो शिव बाबा बोले कि माँ खाना अभी नहीं खाएंगे, जब तक अपने बच्चे को हम भोजन नहीं करा लेते हैं तो हम नहीं खाते हैं। तो सीता जी सुगा को लेकर के अपने बाल में बांध लिए है? बाल में सीता जी सुगा को अपने बाल सुगा क्या चोरा लिया, तोता को बांध लिया। हाँ तो बांध लिया, तो बोले की देखता हूँ की मतलब सही बोलते है की हम अपने बच्चे के खिला लेता हूँ तब खाता हूँ। फिर बाद में सीता जी खोल के देखे, वो बाबा जब आए तो देख लिए, तो उसके बाद देखे खोल के जुड़ा में से तो सही के खिलाए थे, इसका अर्थ क्या है? अगर बत्ती मार की बात है दुनिया भर की चलती रहती है। पूछोगे बात तो बाबा से ज्ञान की बात तो पूछो। तोता, तोता शिव बाबा के मंदिर में तोते भी दिखाए जाते हैं। तोते वो होते हैं जो ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है। कबूतर भी दिखाए जाते हैं, कबूतर के मुख से आवाज ही नहीं निकलती, गले की आवाज गले में ही गुटरों को करके रह जाती है, वो दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते। और तोते दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। तो भगवान के बच्चे भी कौन हैं? जो भगवान का काम करें वो भगवान के बच्चे, तो भगवान उन बच्चों को खिला के ही खाएगा, ऐसे नहीं अकेले खा लेगा। हाँ कबूतर भूख मरेंगे लेकिन वो तोते भूख नहीं मर सकते। बाबा से जरूर पूछूंगी। बाबा एक एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? क्या 10 विकार हैं? क्या 10 विकारों के ऊपर विजय तब पाएंगे जो कहते हैं कि हम भूखे रहें। तो भूखे रहना उन्होंने तो उठा लिया है, अन्न छोड़ देते हैं। यहाँ अन्न छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ तो विकारों को 10 विकारों को छोड़ दिया माने एकादशी हो गई। एक का व्रत रखना, 10 विकारों का व्रत रखें वो ही एकादशी हो गई। हाँ बाबा, सच्ची गीता खंड पॉइंट है, उसमें दिया है कि बाबा तुमको ऐसी चिट्ठियाँ लिखना सिखाएंगे है जो पढ़ने वाले के रोमांच खड़े हो जाएं। है चिट्ठी कैसे लिखनी है तुम बच्चों को एक को भी मालूम नहीं। बाबा की फिर कैसी चिट्ठी है? है कैसे लिखना सिखाएंगे? ऐसे ही चिट्ठी लिखो जो दूसरे को शिव बाबा की याद आ जाए। इसमें दिया है कि बाबा लिखना सिखाएंगे। बाबा लिखना सिखाएंगे तो सिखाएंगे, तुम सीखोगे तभी तो सिखाएंगे। है तुम बच्चों की तो आती है, तुम बच्चों को एक को भी मालूम नहीं। एक को भी नहीं मालूम, अगर मालूम हो तो चिट्ठी लिख करके ही आत्माओं को उठाते रहो, बाहर इधर उधर भटकने की दरकार ही नहीं। और फिर बाबा घंटी गाय बजाते हैं, घंटी इसीलिए बजाते हैं, किसी के मुंह पे घंटी बजाओ तो उसका मतलब होता है उसके मुंह पे उसकी बड़ाई करना, भगवान समझ जाते हैं ये तो हमारे मुंह पे हमारी बड़ाई कर रहा है। भक्त लोग क्या करते हैं? हैं भोग लगाते हैं तो भोग लगाने से पहले भगवान के मुंह पे घंटी बजाएंगे। आशा अपने अंदर जुटी हुई है, हैं कि सब प्रकार के भोग हमको नसीब होते रहें, लेकिन माँ भगवान के ऊपर घंटी बजाएंगे।
भगवान को घंटरिया बजा करके इसको सूफी कर देंगे। अंगुलियां काटता जाता था है, जैसे भुजा होती है तो भुजा सहयोगी की निशानी है, तो ये जो क्यों मांगता था, बहुत छोटा उंगली क्यों मांगता था। हाँ, तो जो भुजा होती है वो सहयोगी की निशानी होती है। इस भुजा में पांच उंगलियां भी हैं, पांच उंगलियों में सब एक हैं, एक जैसी है कि छोटी बड़ी है। छोटी बड़ी है, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी है, तो एक छोटी उंगली भी है, सबसे छोटी, सबसे कमजोर। फिर नंबर बार और भी है, तो और उंगलियां नहीं मांगता था, कौन सी मांगता था, छोटी उंगली। और श्री किशन जी महाराज जो पहाड़ उठाया गोवर्धन पहाड़, वो कौन सी उंगली को उठाया था, हाँ, छोटी उंगली को उठाया था। ये छोटी उंगली कौन सी है, हाँ, ये जो पांच उंगलियां है वो पांच पांडव हैं, क्या, पांच पांडव, पांच पांडवों कौन कौन से हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो जो सिख धर्म है वो सबसे छोटी उंगली है भगवान को फॉलो करने वाली उंगलियों में, जो भगवान के सदैव सहयोगी बनते हैं आदि से अंत तक, पहले जन्म से लेकर के और आखिरी जन्म तक सहयोगी ही सहयोगी बनते हैं, विरोधी विरोधी नहीं बनते। देखो स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया, सिख धर्म ने दिया। तो सिख धर्म की कोई आत्मा ऐसी है जिसको भगवान आकर के सहयोग देते हैं, सहयोग देने के लिए वो आत्मा ही उनकी सहयोगी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो बस इतना जो परिवार जो बड़ा बैठा हुआ है वो उस उंगली के निकलने से ही परिवार बनता है, क्या, वो आत्मा जब ज्ञान में निकलती है तो इतना परिवार बन जाता है जगदम्बा का। तो जगदम्बा सबसे छोटी उंगली है, रुद्रमाला के मणकों में सबसे छोटा मणका। तो अंगुली माल क्या मांगता है, छोटी उंगली मांगता है। और बाबा भारत ही सभी का दुर्गति करने के निमित्त, भारत ही सदगति का निमित्त बना है। हाँ, जब अज्ञानी है तो दुर्गति का निमित्त बनता है, और जब शिव बाबा के ज्ञान देते हैं तो सदगति का निमित्त बनता है, वो तो सभी बनते हैं। अज्ञानी है तो दुर्गति, अपनी भी दुर्गति करेंगे और दूसरों की भी दुर्गति करेंगे, और ज्ञानी है तो अपनी भी सदगति करते हैं दूसरों की भी सदगति करते हैं। प्रजापिता भी ऐसे ही है। और बाबा आत्माओं का बाप और आत्माएं अनादि और नशी है, है ही है, अनादि मतलब है ही है, तो उनमें जो दैवी गुण है और राक्षसी गुण है उसका संस्कार कब और कहाँ पड़ता है। जब शिव बाबा आते हैं तो दैवी गुण जगाते हैं, और रावण आते हैं तो आसुरी गुण जगा देते हैं। तो बाबा शिव पिता जो है उनका घर तो परमधाम है, तो आत्माएं भी परमधाम में ही रहती है जागृत अवस्था में। हाँ, जागृत कहाँ होती है, जागृत नहीं होती, सुसुप्त अवस्था में रहती है। संस्कार कैसे पड़ता है कि अब मुझे दैवी गुण वाले पार बजाना है और अब आखिरी जन्म में जब सात सो जाते हैं, सात की आत्माएं डिम हो जाती हैं, तब भगवान आते हैं कि सबको हम जगाऊं, तो आकर के सबके अंदर गुण भरते हैं ज्ञान सुना के, ज्ञान से ही सदगति होती है। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है, आत्मा की सदगति होती है तो फिर शरीर भी शुद्ध बनते हैं। और बाबा द्रौपदी का पाठ ब्रह्मा बाबा का है कि जगदम्बा, ब्रह्मा बाबा तो दाढ़ी मूंछ वाला, दाढ़ी मूंछ वाली थोड़ी द्रौपदी होती है, हैं? द्रौपदी स्त्री थी या पुरुष थी, स्त्री थी,
तो ब्रह्मा बाबा जिस समय प्रवेश करते हैं, क्या शरीर छोड़ने के बाद जिस माता में प्रवेश करते हैं, वो माता कंपिल में ज्ञान यज्ञ चलता है, उस ज्ञान यज्ञ कुंड से उस द्रौपदी का जन्म होता है। और बाबा कीवी पत्ती खाता है भूषण और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला, हाँ उसका अभी किस किसका पाठ होगा? दुष माने दोष, दुष माने दोष, अंत माने अंत, जो दोष और दुर्गुणों का अंत करे उसका नाम दुष्यंत। और शकुंतला, शकुनी कहते हैं पक्षियों को, क्या जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाले पक्षी हैं, उनके आधार पर नाम रखा गया है शकुंतला। वो ज्ञान योग के पंखों से सबसे ज्यादा ऊंची स्टेज में उड़ती है और बहुत कल्याण करती है आत्माओं का, उसका नाम शकुंतला रखा गया। तो ये जस्यंत और शकुंतला की जो कहानी है वो किस समय की कहानी है? संगम की कहानी है। हीरो हीरोइन का पार्ट धारी है दुष्यंत और शकुंतला। और हाथ में जो ये सब लगी रहता, ये किसकी? भाग्य की निशानी है। किसी की अच्छी रेखाएं होती हैं, किसी की खराब रेखाएं होती हैं। अच्छा और बुरा भाग्य जैसा जैसा भाग्य बनाया है वैसी वैसी रेखाएं होती हैं। और बाबा संगम में हाँ, हर जन्म में अपनी रेखा खुद बनाते हैं, संगम में बनाते हैं। शिव बाबा आकर के बनाने में सहयोगी बनाते हैं। हाँ बदल भी सकते हैं, हाथ की रेखाएं बदलती भी रहती हैं। और लाइट दिखाई दिए, खराब बात खाई के लिए, लाइट तो अच्छी चीज है, अंधेरा खराब है। हाँ लाइट दिखाई दे तो अच्छी बात है ना, खराब क्या है? लेकिन मन की बुद्धि की आंख से लाइट देखें वो और अच्छी बात। साक्षात्कार में और स्वप्न में दिखाई दे वो भक्ति मार्ग की निशानी है, और बुद्धि की आंख से हम देखने के आदि बन जाए तो ज्ञान मार्ग हो गया, उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। दिखाई देती है इसका मतलब शिव बाबा आपसे यही चाहते हैं कि लाइट ही लाइट देखते रहो, अंधेरा कभी कभी नहीं देखो, ऐसी प्रैक्टिस करो। और चंद्रमा में जो काला दाग दिखता है, चंद्रमा ठंडा है कि गर्म है? है ठंडा। दिमाग एकदम ठंडा होना चाहिए या थोड़ी दिमाग में गर्मी भी होनी चाहिए? है दिमाग जो है बुद्धि एकदम ठंडी होनी चाहिए मन बुद्धि, कि थोड़ी गर्माहट भी रहनी चाहिए? है थोड़ी गर्माहट भी रहे। एकदम बुद्धि ठंडी होगी तो कोई विचार बुद्धि में चलेगा ही नहीं, ऐसे हो जाएगा जैसे हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, तो दिमाग में अगर बर्फ ही जम जाएगी, जाम हो जाएगा दिमाग, तो फिर जामड़ी बुद्धि हो जाएगी। क्या पूछा? तो ज्ञान चंद्रमा किसको कहा जाता है ज्ञान में? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने जितना सुना दिया उतना ही सुन लिया, बाकी आगे कोई आगे पीछे कोई बुद्धि नहीं चलाई कि शिव बाबा ने ये बात बोली है तो क्यों बोली है, इसका अर्थ क्या है, इसका इसको हम फॉलो करेंगे तो सार्थक कैसे होगा, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो अनर्थ कैसे हो जाएगा, इन बातों में कोई जवाब बुद्धि ही नहीं चलाई। शिव बाबा ने कह दिया पवित्र बनो तो बस,
बस पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनो? जैसे सन्यासी पवित्र बनते हैं। कैसे पवित्र बनते हैं? अपने घरवाली को छोड़ दिया, उन्होंने भी अपनी यशोदा को छोड़ दिया और सरस्वती को यज्ञ में निमित्त बना दिया। अरे यशोदा को तो पहले पवित्र बनाना है, छोड़ देने से काम थोड़ी चलेगा। तो बुद्धि से सोचा नहीं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बल भी तो लगाते हैं, बल भी तो लगाते थे ब्रह्मा बाबा। क्या लगाते थे? बल पवित्र रहो, बल शादी करो, बल मकान बनाओ, बल बल करके भाला बना दिया। और सात्विक माने सच्चा सच्चा, जिसमें झूठा बिल्कुल ना हो। और सतो प्रधान, जिसमें सत्य ही सत्य भरा हुआ हो, वो हुआ सात्विक। और सरस्वती के हाथ में हाथ उसका बेड़ा के बीच वो एक ही तार से बोलती है, जो बाबा ने बोल दिया बस वो ही बात बोलेगी, दूसरी बात नहीं बोलेगी। एक तारा बोले है वो ही टुनटुनाती रहती। ये भारत तो हमारे देश का नाम है, फिर ये महाभारत किसका नाम है? हमारा देश मातृ प्रधान है कि पितृ प्रधान है? हैं? हमारा भारत माता है या भारत पिता कहा जाता है? तो भारत माता है तो कोई पिता भी तो होगा, हैं? जो पिता है वो महाभारत लड़ाई करा देता है, वो है महाभारत। श्री कृष्ण ने क्या कराया? महाभारत युद्ध करा दिया, तो वो पिता है। भारत का नाम बाला करना है तो महाभारत युद्ध कराना है। महाभारत युद्ध से स्वर्ग के गेट खुल जाते हैं। और बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो, चिट्ठियों से क्या होगा। बाबा मुरली में आज तक यादव के पेट से मुसर निकला, इसका अर्थ क्या है? हाँ, अभी आजकल मिसाइल से निकल रहे हैं कि नहीं? मिसाइल्स का नाम बदल के मूसल हो गया। बुद्धि में से मिसाइल से नहीं निकलते हैं, मूसल नहीं निकलते हैं। उन्होंने तो कहा लोहे के मूसल निकले, वास्तव में ये जो मिसाइल्स बने हैं इनमें लोहा काम आता है कि नहीं आता है? सबसे जास्ती क्या होता है वजन? लोहे का ही वजन होता है। तो उनका नाम जो मिसाइल्स दिया है वो बेहद के मूसल है, वो पेट में से नहीं निकलते हैं। ये बुद्ध रूपी पेट है जिसमें से वो मूसल्स निकलते हैं। जैसे पेट में हर बात पचाई जाती है, कहते तुम्हारे पेट में ये बात नहीं पचती, तो पेट में बात समाई जाती है ना। इसके पेट में कुछ रहता ही नहीं, ये सब कुछ बाहर निकाल देता है। कहते हैं औरत के पेट में कोई बात पचती नहीं, तो इस पेट में नहीं पचती या इस पेट में नहीं पचती? ये बुद्ध रूपी पेट है। तो ऐसे ही ये बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल्स निकलते हैं। क्या? ये ज्ञान के मिसाइल्स हैं, ज्ञान के बम फटेंगे। जैसे अभी बम्बई में 8 पॉइंट निकल पड़े, अब ब्रह्मा कुमारी वो बड़ी परेशानी हो गई। वो बम जैसे जैसे फटते जाते हैं अलग अलग शहरों में, वैसे वैसे ब्रह्मा कुमारियां परेशान होती जाती है। क्यों परेशान होती जाती? क्योंकि जवाब मिलता नहीं है, विनाश होता चला जाता है। और दादा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण दोनों सामने की ओर देखते हैं और कृष्ण दूसरे को देखते हैं। हाँ, वो सतयुग के हैं, वो संगम युग के हैं। बड़ा युग कौन सा है? हैं? संगम युग। तो संगम युग में ऊंचा काम करेंगे कि सतयुग में ऊंचा काम करेंगे? सतयुग भी ऊंचा युग है, लेकिन ऊंचे से ऊंचा युग कौन सा है?
तो संगम युग में जो काम किया है लक्ष्मी नारायण ने, वो काम सतयुग के राधा कृष्ण नहीं कर सकते। राधा कृष्ण फिर भी देह अभिमान का सुख लेते हैं। आंखें देह का हिस्सा हैं या नहीं? देह का हिस्सा है तो देह अभिमान का सुख लेते हैं। और लक्ष्मी नारायण देह का कोई सुख नहीं लेते, देह के किसी अंग से सुख नहीं लेते, इसलिए उनको सामने देखते हो, सामने देख रहे हैं फिर भी एक दूसरे की याद है, तो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं वो। उसमें देहभान का नाम निशान होता ही नहीं, तो वाइब्रेशन से बच्चों की पैदाइश होती है। उसको कहते हैं ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। बाबा महाभारत में त्रिजटा नाम का किसी, त्रिजटा महाभारत में नाम नहीं आया, रामायण में नाम आया। दस कुमारी के लिए अभी तो बताया जटाओं का मतलब क्या है, ज्ञान की जटाएं हैं तीन। कौन कौन सी तीन जटाएं है? ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान और शंकर का ज्ञान। तो जटा नाम राक्षसी एका रामचरण निपुण वेश एका, अर्थात राम की बुद्धि किसकी थी? त्रिजटा की। राम के अंदर जो ज्ञान था वो त्रिजटा के अंदर भी ज्ञान था, वो ज्ञानी आत्मा थी, बहुत राम को प्यार करती थी और उसको सीता की परवरिश के लिए रखा गया था। दो मुट्ठी चावल गरीब के और साहूकारों के 2-3 करोड़ रुपए बराबर क्यों कर दिए? इसलिए बराबर कर दिए कि गरीब आदमी के पास रोज कमाता है, रोज खाता है, सारा दिन मेहनत की और उसने 4-8 मुट्ठी कमाए पैसे, 4-8 मुट्ठी चावल खरीद लाया, नमक डाल के चावल उबाल के खा लिए, उस चावल में से उसने 2 मुट्ठी दे दिया ईश्वरी यज्ञ में। और जो आज के साहूकार हैं वो एक ही दिन में करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, गरीबों को तंग करके कमाते हैं या आसानी से कमाते हैं? तंग करके कमाते हैं, ऐसी ऐसी चालाकी से कमाते हैं। तो उनका पैसा उतना बाप काम नहीं करता जितना गरीबों का काम करता है। कृष्णा जी के पूरे अंग टेढ़े-टेढ़े, 3 जगह से टेढ़े हैं। उनका नाम है त्रिभंगी लाल। क्या? त्रिभंगी लाल। कैसे? संगम जी कृष्ण ब्रह्मा का भी पार्ट बजाता है और शंकर का भी पार्ट बजाता है और विष्णु का भी पार्ट बजाता है, तो 3 जगह से टेढ़ा हो गया। हमारी नजदीकी ब्रह्मा कुमारियां माउंट आबू में गई हैं, हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी ब्रह्मा बाबा आने वाले हैं और ये लास्ट बार ही आएंगे, फिर उसके बाद नहीं आएंगे। तो क्या पूछना चाहते? ऐसे क्यों बोला कि लास्ट बार ही आएंगे? इसलिए बोला कि वो उनकी, वो ये समझते हैं कि 2012 के बाद अब दुनिया का विनाश होने वाला है, इसलिए अब ब्रह्मा बाबा नहीं आएंगे। इसके पहले भी तो लास्ट बार आए थे। है उनका रोज होता रहता है, रोज विनाश होता रहता है। वो इसलिए कहते हैं तुम्हारे पास जो रहा बचा पैसा हो उसे दे दो, काम में लगा दें। उन्हें रहम आता है, कुछ रह गया होगा तुम्हारे पास। हाँ, हैं? बाबा बसंत पंचमी का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में सरस्वती की पूजा करते हैं बसंत पंचमी को। आज ही है,
अच्छा सरस्वती की पूजा करते हैं, ज्ञान में क्या अर्थ है बाबा? ज्ञान में यही अर्थ है कि जब बाबा ने बोला है विजयमाला का आवाहन करो, और विजयमाला में प्रवेश कौन करता है? सरस्वती प्रवेश करती है, तो विजयमाला का आवाहन होगा तो सरस्वती का भी आवाहन हो जाएगा। और जब सरस्वती और विजयमाला की हेड आएगी तो फूल खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे? बसंत पंच बसंत ऋतु में क्या होता है? फूल ही फूल चारों तरफ खिलने लगते हैं, हाँ हरा भरा हो जाता है चारों। तो सरस्वती की पूजा होती है बाबा। है शास्त्र में बताया कि जो राजा उत्तानपाद थे उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जो सुरुचि थी वो अपनी नीति के अनुसार कार्य करती थी, और जो नहीं सुरुचि जो थी वो अपनी रुचि के अनुसार, और जो सुनीति थी वो अपनी नीति के अनुसार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सुरुचि की आदत थी अपनी स्वच्छंदता से चलना, जो मन में आया सोई करना, नाक उठाई तो जहाँ नाक की सीध पड़ी वहीं चल पड़ी, श्रीमत नहीं लेती थी। और सुनीति शिव बाबा की नीति नियम पे चलती थी, कोई काम करती थी तो शिव बाबा की नीति नियम से पूछ करके चलती थी, इसलिए उसका नाम सुनीति पड़ा, उसका नाम सुरुचि पड़ा। सुनीति ने अच्छा काम किया या सुरुचि ने अच्छा काम किया? सुनीति ने अच्छा किया। तो नीति नियम पर चलना खराब काम है या अच्छा काम है? अच्छी बात है, बाबा की श्रीमत पर चलना, अपनी मनमत पर नहीं चलना चाहिए। अपनी मनमत पर चलना माना सुरुचि का पार्ट बजाना। तो बाबा उत्तानपाद राजा कौन थे? उत्त माने ऊपर, तान माने तान ली, उत्त तान पाद माने पांव। अपने पांव कहाँ टांग दिए? ऊपर की ओर टांग दिए। तो पांव का अर्थ क्या है? बुद्ध रूपी पांव को ऊपर लटकाई दिया परम धाम में, उसका नाम क्या पड़ गया? उत्तानपाद। और उनकी दो पत्नियां थी, एक सुरुचि जो अपने मनमानी चाल पर चलती थी, क्या वो हो गई महाकाली, और एक सुनीति महागौरी। तो दो पत्नियां थी। ये कंपिला देश की कहानी है, पांचाल नगर में जो कंपिला का पुराना नाम है वहां का एक राजा था, उस राजा का नाम था उत्तानपाद। उसने अपने बुद्ध रूपी पांव को कहां टांग दिया? ऊपर टांग दिया। तो किसका पार्ट हुआ? शंकर जी का पार्ट हुआ। उसका बच्चा हुआ ध्रुव तारा, सुनीति का। सुनीति के जो बच्चे का नाम था ध्रुव तारा, उसने ऐसी तपस्या की कि उसका पार्ट ध्रुव हो गया, निश्चित हो गया, जिसके चारों ओर दुनिया घूमती है। सारी दुनिया के सितारे किसके चारों तरफ घूमते हैं? ध्रुव तारा के चारों ओर। वो अपनी जगह पर रहता है, वो नहीं हिलता, क्या उसको माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे उसको अनिश्चय नहीं आता, ज्ञान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर, और सबको निश्चय अनिश्चय आता रहता है। तो सब चक्कर काटते हैं माया के, ध्रुव तारे के, लेकिन ध्रुव तारा किसी के चक्कर नहीं काटता। धोबी के कहने पर दादी को राम जी ने घर से बाहर क्यों निकाले? धोबी कौन है? धोबी के कहने पर राम जी ने, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। सीता जी को घर से बाहर निकाल। हाँ, सीता जी पार्ट किसका है? सीता का पार्ट किसका है? धरणी में से निकली हो धरणी में, तो किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। बीके वाले ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं तो ब्रह्मा बाबा तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ? और हम लोग वैजयंती माता का आवाहन करने हिस्सा ले तो ऐसा
ज्यादा पवित्र कौन रहते हैं? बी के वाले ज्यादा पवित्र रहते हैं कि रुद्रमाला वाले ज्यादा पवित्र रहते हैं? तो उनके कहने से आ जाते हैं जल्दी से। ये तो बड़ी किरकिरी हो गई ना। इंद्रदेव की पूजा अकाश पढ़ने पर ही क्यों होती है? अकाल पड़ता है तो इंद्रदेव की पूजा करते हैं। इंद्रदेव है कौन? पता नहीं। अरे कहाँ का राजा है? स्वर्ग का राजा है। तो स्वर्ग का राजा कौन है? स्वर्ग में राजा ही पहले पहले कौन करेगा? ब्रह्मा बाबा करेंगे। तो ज्ञान बरसात किसके मुख से निकली? पहले पहले उनके मुख से निकली, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है पहले पहले। गणेश की पूजा पहले पहले क्यों होती है? जो हिसाब से गणेश की पूजा होती है वही हिसाब से इंद्रदेव की पूजा होती है। बाबा, गंगा सागर में बोलते हैं कि भाई बहन एक साथ ही गंगा सागर में है। इसका अर्थ क्या होगा? गंगा सागर का मतलब ये है कि पहले पहले बहन भाई कौन है? आत्माओं में भी कौन? आत्माएं तो 500-700 करोड़, उनमें भी पहली पहली आत्माएं कौन है? जो सागर और गंगा का मिलन होता है तो उसमें पहले पहले स्नान करती है, है? नहीं है? लक्ष्मी नारायण है। और बाबा भक्ति मार्ग में कुंभ मेले का दिखाया गया है, तो ये डांस में उसका क्या? ज्ञान का कुंभ है, कुंभ माने कलश। और बाबा धर्म 10 है लेकिन राशियां 12 क्यों है? धर्म 10 है और राशियां 12 क्यों है? 10 धर्म है क्यों? 10 राशियां क्यों होनी चाहिए? हर धर्म के 12 ग्रुप निकलते हैं, 12 राशियों में सारी दुनिया बांटी जाती है। ब्राह्मण धर्म को तो छोड़ दिया क्या? ब्राह्मण धर्म को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और ब्राह्मणों में एक प्रकार के ब्राह्मण है कि दो प्रकार के? कौन कौन से? जड़ और बीज। तो एक है चंद्रवंशी, एक है सूर्यवंशी, तो दोनों मिला के और वो 10वां मिला के कितने हुए? 12 हो गए। और सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा वो ही था जो सत्य ही सत्य बोलता है, झूठा नहीं बोलता। जो शिव बाबा बोलते हैं वो ही बात सुनाता है, शिव बाबा की बोली हुई बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं सुनाता है, उसी को कहते हैं सत्य राजा हरिश्चंद्र। और कुछ न कुछ अपनी बातें मिक्स कर देते हैं तो वो उतने सत्य नहीं है, स्वार्थ के अनुसार कुछ न कुछ मिक्स कर देते हैं, इसलिए उनको सत्य नहीं कहा जा सकता। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। बाबा, एक मुंशी नारायण की जो ज्यादा पति होते हैं उन्हें ज्यादा गुरु करते हैं, वो ज्यादा गुरु करते हैं? लेकिन ब्रह्मा बाबा तो ज्यादा पावन थे। ज्यादा पावन थे ब्रह्मा बाबा ही? ज्यादा पतित थे, ज्यादा पतित होते हैं तो ज्यादा गुरु करते हैं। बुद्धि पावन है तो अपने बुद्धि से सोचेंगे न कि दूसरों का सोचा हुआ, दूसरों के आधार पर चलेंगे। राजा विक्रमादित्य ने एक गुरु किया कि ढेर सारे गुरु किए? तो ब्रह्मा बाबा ने 63 जन्मों में से पहले जन्म में एक गुरु किया और लास्ट जन्म में 12 गुरु किया। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में उतना पतित नहीं था और आखिरी जन्म में ज्यादा पतित हो गया। और बाबा, जो 3 रंग का झंडा दिखाते हैं वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर की यादगार है, तो व्हाइट कलर के नहीं सफेद कलर के पट्टे में चक्र किसके निशानी है? विष्णु का।
वो श्वेत है, श्वेत माने बिल्कुल निर्विकारी, कोई रंग नहीं। लेकिन उसमें तो नीले कलर का चक्र दिया है। चक्कर तो है नीले कलर का, वो तो उसे तो रंग बदलते रहते हैं। लेकिन विष्णु कैसा है? विष्णु सफेद है। अखा तीज माने अक्षय, अक्षय तृतीया, ऐसी तृतीया जिसका क्षय होता ही नहीं। उन दिन मंदिरों में पानी के घड़े भी छोड़ते हैं, मंदिरों में तो मतलब घड़े पानी के भर के रखने जाते हैं अक्षय तृतीया को। हाँ, शिव बाबा के मंदिर में खास पानी के घड़े छोड़े जाते हैं अक्षय तृतीया। कैसी तृतीया? जिसका क्षय होता ही नहीं। बाबा, साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं? अरे आदमी के दो ही कान क्यों होते हैं, तीन कान क्यों नहीं होते? नाक आगे ही क्यों होती है, पीछे क्यों नहीं होती? ये तो ड्रामा है, जैसा ड्रामा फिक्स है वैसा ही है। और बाबा भक्ति मार्ग में सब ड्रामा ही चलता है कि है? गांव में जल्दी मनाने के लिए कुछ पैसा मांगते हैं लोग, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चंदा मांगते हैं। हाँ हाँ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, हम तो खुद ही बिना पैसे के नौकरी धंधा हम करते नहीं। हम ब्राह्मण आदमी हैं, हमारे पास दो रोटी के टुकड़े पड़े, एक रोटी का टुकड़ा तुम भी ले लो। समाज में बंधन डाल देना बाबा, सभी देते हैं तो तुम क्यों नहीं देते? सभी देते हैं तो तुम क्यों नहीं देते? तो बताओ तो काय के लिए देना है, ये तो बता दो। जयंती मनाने के लिए देते हैं। अपने समाज में जो धर्म गुरु है उसका बल जाए जयंती मनाने, समाज का भरण पोषण करने के लिए जयंती मनाने। किसकी जयंती मनाते? गुरु की। तो कहियो हम सदगुरु को मानते हैं तो अपनी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दो। हम सदगुरु के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, लाओ हमें पहले दे दो। हम जानते हैं सदगुरु की सेवा और सदगति दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। जितने गुरु आए सब मरमरा के बेसम मिल्ला मर बिल्ला खत्म हो गए, दुनिया नीचे ही गिरती चली गई, तो पैसा क्यों दें?